नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है TMG टिप्स के आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से डोर फोन की वायरिंग की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो, और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑडियो डोर फोन कनेक्शन की, यानी ऑडियो डोर फोन की वायरिंग डायग्राम की, कि किस तरीके से ऑडियो डोर फोन में वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी है, हैंडसेट से एक तार आपकी आएगी पावर सप्लाई में, ये 4 पेयर तार होगी, और इसी तरीके से आउटर पैनल से भी एक तार आएगी आपकी पावर सप्लाई में, ये भी 4 पेयर वायर होगी। दैट्स इट, इतना ही। अगर आपके पास 4 फ्लोर पे हैंडसेट है तो 4 फ्लोर से एक एक तार सीधा पावर सप्लाई पे आएगी, बट आउटर पैनल से सिर्फ एक तार 4 पेयर की पावर सप्लाई में आएगी। इसके बारे में, इसके कनेक्शंस के बारे में, ऑडियो डोर फोन के कनेक्शन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप हमारी वाली वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आएगा इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, बहुत आसान है। हमारा बोला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑडियो डोर फोन विद डोर लॉक के अंदर। दोस्तों यहाँ से हैंडसेट से हमारी एक तार बिल्कुल इसी तरीके से 4 पेयर की आएगी पावर सप्लाई में, 4 पेयर वायर है ये, और आउटर पैनल से भी एक तार आएगी पावर सप्लाई में ही, ये भी 4 पेयर की वायर होगी। डोर लॉक से एक तार आपकी आएगी पावर सप्लाई में, ये तार होगी आपकी 3+1, मैं फिर से देखता हूँ, 3+1 की तार डोर लॉक से पावर सप्लाई में आएगी। अगर आपके पास 2 डोर लॉक हैं तो दोनों की तारें 3+1 एक की और 3+1 दूसरे डोर लॉक की भी पावर सप्लाई में आएगी, और यहीं पर इसके कनेक्शन होंगे। इसके कनेक्शन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो पहले ही बना के दिया हुआ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो डोर फोन पे कि उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। वीडियो डोर फोन की वायरिंग बहुत ही आसान होती है, आउटर पैनल से एक तार सीधा ही स्क्रीन के अंदर आके लगती है, जो कि होती है 3+1 की। इसके अलावा इसमें पावर सप्लाई कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्क्रीन के अंदर से ही एक तार जाती है जो कि पावर देती है स्क्रीन को, और साथ साथ में आउटर पैनल को भी, इसलिए हमें इसके अंदर किसी भी तरीके की पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से अगर आपके पास 4 स्क्रीन है तो 4 स्क्रीन से एक एक तार जाएगी आउटर पैनल की ओर। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये 1st फ्लोर, ये 2nd फ्लोर, ये 3rd फ्लोर और ये 4th फ्लोर, हर फ्लोर से एक एक तार 3+1 की जाएगी आउटर पैनल में, और कनेक्शन हो गया, आपका आउटर पैनल काम करना स्टार्ट हो गया। दैट्स इट, इतना ही। पर अगर आपके साथ VDP में डोर लॉक भी है, उस कंडीशन के अंदर आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर कनेक्शन कैसे होते हैं, वायरिंग कैसे होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन से तार जाएगी सीधा आउटर पैनल के अंदर, ठीक है दोस्तों, ये होगी 3+1 की वायर। अगर आपके 4 फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर्स हैं, जितने भी फ्लोर्स हैं, उसकी सारी तारें स्क्रीन की आउटर पैनल में लगेगी, ठीक है दोस्तों। अब आउटर पैनल से, आउटर पैनल में पॉइंट्स होते हैं, इस जैक के अलावा 2 जैक और होते हैं डोर लॉक के, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो के अंदर कुछ विस्तार से बताऊंगा, अभी फिलहाल वायरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं हम। उस जैक से एक तार आती है पावर सप्लाई में लगती है, और डोर लॉक के अंदर लगती है दूसरी तार, जैक का दूसरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब डोर लॉक की एक तार बच गई और पावर सप्लाई की एक तार बच गई, ये दोनों तारें आपस में जुड़ जाती हैं, और इस तरीके से आपका वीडियो डोर फोन विद डोर लॉक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कनेक्शन के बारे में कि किस तरीके से वीडियो डोर फोन के कनेक्शन किए जाते हैं। फिलहाल वायरिंग की बात हो रही है, इसलिए ये वायरिंग डायग्राम आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं कभी भी वायरिंग डालेंगे आप तो इस तरीके से वायरिंग डालेंगे और आपको बड़े ईजी तौर पर इंस्टॉलेशन कर पाएंगे आप। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, और इसके अंदर हम बताएंगे आपको वीडियो डोर फोन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को हमारे, और लाइक और शेयर, प्लस अपने कमेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं कमेंट के थ्रू हमारे पास। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।